डिग्री सिस्टम में आया तो ज्यादा कुछ सोचती था, मुझे एडमिशन एडमिशन अगर करवाते हैं ना, भाई हो गया, चाचा हो गया, दोस्त हो गया, यार हो गया, बट मुझे सिस्टम में मेरे पढ़ने वाला था ना, दो दिन बस मिला था, सिस्टम के बारे में बताया, ऐसा होता है वैसा होता है, मैं बिलीव नहीं कर रहा था, है ना। जब देखने सुनने संबंध निकले गया है ना वहाँ पर, बस सुना सब छोटी छोटी लड़की जब आकर बताती भाई ये की वो की, मेरे पास स्कूटी हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, बहुत सारी चीज बोले, है ना, भरोसा नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, घर में आए है ना, हमको बताए कि यहाँ पर भविष्य है ना, देखो भाई पहले जब आओगे तो सीखोगे, क्या सीखोगे, स्किल डेवलपमेंट क्लास वगैरह सीखोगे, है ना, वहाँ से बोलचाल का तरीका सीखोगे, यही सारा चीज बोले, तो ठीक है सर देखते हैं, यही मैं बोल दिया था, है ना। फिर धीरे से क्या हुआ, एडमिशन के जब आ गया था, बोलते हैं ना एडमिशन के लिए क्या लगता है, पैसा बोलते हैं, मेन मुद्दा क्या होता है, पैसा ही होता है। एडमिशन जब हम लोग बताते हैं इतना इतना पैसा लगेगा, 20,000 रुपया या 10,000 रुपया एडमिशन का है, तो क्या बोलते हैं, पैसा लगे ना, रहा देता सही नहीं, यही बहुत सारे लोग बहुत कुछ ऐसी बोलते थे, पर मेरे यहाँ पिताजी खुद बोलते थे, अरे फालतू है, बकवास है, नहीं जाना है, 15,000 रुपए पैसा कहाँ वेस्ट करेगा, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, पढ़ता है तो पढ़, नहीं पढ़ता तो मिस्त्री काम में सीधा चले जा, है ना, यही बोलता था। फिर मैं अपने जिस बोलते हैं गुरु जो बोलते हैं अपना खुद का गुरु होता है, कोई ना कोई है ना जो सिखाने वाला आगे बढ़ाने वाला, है ना, मुझे इस सिस्टम में अच्छा खासा नॉलेज देने वाला, साथ मुझे पर्पल गाइड करने वाला, आज कहें कि एक बड़े भाई की तरह है ना आज सपोर्ट करने वाला, मिस्टर विवेक कुमार मंडावी सबके लिए बहुत जबरदस्त है। खबर छानी घर में बिलोंग करने एक लड़का है ना, कहा थाईलैंड की जगह सोच पाएगा, है ना। मैं शुरू शुरू जब सोचता था थाईलैंड, जब ऑफर आया था, सर ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, शुरू में एक महीने जाने दिया, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक महीने पूरा जाने दिया, उसके बाद सेकंड महीने आता है, विवेक सर बोलते हैं नहीं रवि तेरे से हो पाएगा, कर सकता है बिल्कुल 100% होगा, तेरे से होगा, नहीं होगा, किसी से होगा, यही बोलते गए सर, पर धीरे धीरे मैं बिलीव ही नहीं होता कि होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, है ना। फिर 15 दिन बीत गया ऐसी करते करते, फिर उस 15 दिन में रीना मैडम फिर कॉल करती है, रवि क्या हो रहा है थाईलैंड के लिए, है ना, तो मुझे कॉल मुझे मेंटली सपोर्ट कर मिस रीना मैडम के पर जबरदस्त ताली चाहिए। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, आज मैं पहला ऐसा लड़का हूं मेरे गांव का जो बाई फ्लाइट है ना इस सिस्टम से बाई फ्लाइट में कहा थाईलैंड जाने लो, कभी जीवन में सोचने वाला पता 36 खान लड़का अगर खानदान में पूरा छान भी मान लो धन्यवाद चाहूंगा, है ना, कि यहाँ पर प्योर भी मिल रही है, मान सम्मान भी मिल रही है ना, और साथ साथ घूमने फिरने का जो मौके मिले हो। अब बोलते हैं कड़ी संघर्ष आता है कि अपने सबके माध्यम आते हैं, मैं ना पहले जब शुरुआत किया था मुझे क्या है काम वाम करता था, पार्ट टाइम पेंटिंग जाता था, एक फर्नीचर दुकान में काम करने के लिए जाता था, 4,500 का क्या था वहाँ पर सैलरी था मेरा, है ना, कंटिन्यू मैं जाता था वहाँ पर, गाली गलौज तो देते थे, जब पैसे की जब आ गया थी मेहनत खुद किए थे एकदम ज्यादा, है ना, मेहनत करते थे, जब मेहनत बारी जमा थी पैसा छोकने का बारी, सेठ पैसा दो, है ना, 10 बार बोलते थे तब जाकर पैसा मिलता था, वरना नहीं मिलता था, है ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वही सेठ ने बोला, जब मैं बताया इस सिस्टम से मैं थाईलैंड जाने वाला हूँ, मैं जब बताया तो क्या बोलता है, तू और थाईलैंड जाएगा, है ना, ऐसा करके बहुत कुछ चिढ़ाते गया, है ना, साथ साथ वही क्या बोलता था बताओ, दिल्ली से तेरा पासपोर्ट बनाकर मैं खुद लाऊं करके बोला था, आज उसके पास जब मैं थाईलैंड ऑफर किया, मैं ठेई पकड़ जब गया तो क्या सोचता है, सही में थाईलैंड हो गया, जब पासवर्ड के लिए जब बात किया, पासवर्ड का औकात भी नहीं उसका, है ना, जबरदस्त ताली चाहूंगा मेरे डाउनलाइन प्रिय, है ना, एसोसिएट के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए।